हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप वीडियो देखते साथ ही अपने नोट प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिट 1 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, ये कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आखिरकार हमें कहती क्या है? ये हमें कहती है, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जो कि n पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर इस सिस्टम पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अगर जीरो होगा, तो इस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको प्रूव भी करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे और कैसे इसको प्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आइए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये है आपका सिस्टम, ये है आपका सिस्टम जो n पार्टिकल से मिलकर बना है, इसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस सिस्टम के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अगर जीरो होगा, तो इस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। इट स्टेट्स दैट इफ सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट और कंजर्व। अगर इस सिस्टम के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है, तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट, आप करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले एक सिस्टम लेना पड़ेगा जो कि n पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स एंड टेक ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इज गिवन बाय। हमने सबसे पहले एक सिस्टम लेना है, उसके बाद एक सिंगल पार्टिकल की को चूज करना है। हमने सपोज कर लिया वो सिंगल पार्टिकल ith पार्टिकल है, इसी सिस्टम का पार्टिकल है वो। अब हम क्या करेंगे, पहले ith पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद उस इक्वेशन का समेशन कर देंगे ओवर द होल सिस्टम, तो हमें पूरे सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। और वहां से हम आगे बढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे कि अगर सिस्टम पे लगने वाली टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो जीरो है, तो हमारे पास तो टोटल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी इस पर्टिकुलर ith पार्टिकल के ऊपर। स्टूडेंट्स, जो हमने ith पार्टिकल चूज किया है इस सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर दो प्रकार की फोर्सेस लगेंगी। टोटल फोर्स Fi वेक्टर जो इस ith पार्टिकल के ऊपर लगेंगी, दैट विल बी द सम ऑफ two kinds of forces, that is external force on the ith particle which is denoted by Fie, stands for external, it stands for external force acting on ith particle plus। अब स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ith पार्टिकल के ऊपर ये वाला पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये सारे पार्टिकल जो हैं वो ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे। हम मान लेते हैं एक और पार्टिकल jth पार्टिकल, मान लीजिए i पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कितनी होगी, Fij। Fij stands for force on ith particle due to jth particle। अब हमें इस ith पार्टिकल के ऊपर सारे पार्टिकल्स के द्वारा लगने वाली फोर्स लगानी है, तो हम समेशन कर देंगे और समेशन की जो लिमिट्स रहेंगी वो रहेंगी j equal to 1 to n। बट एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो ith पार्टिकल है वो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ith पार्टिकल अपने आप को छोड़कर उसके बाकी जितने भी पार्टिकल्स बचे होंगे सिस्टम के अंदर, वो सारे पार्टिकल्स इस ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और इस चीज को शो करने के लिए हम यहां लिखेंगे i इज नॉट इक्वल टू j। i इज नॉट इक्वल टू j का मतलब है ith पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, बाकी जितने भी पार्टिकल्स बचे हैं हमारे पास n माइनस 1 पार्टिकल्स बचेंगे ith पार्टिकल को छोड़ के, वो सारे पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम समेशन j इक्वल टू 1 टू n Fij। तो स्टूडेंट्स, ith पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स दो प्रकार की फोर्सेस का सम होगी, एक तो एक्सटर्नल फोर्स ith पार्टिकल के ऊपर कितनी है, दैट इज Fie वेक्टर, प्लस समेशन Fij j इक्वल टू 1 टू n i नॉट इक्वल टू j, इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल
ड्यू टू द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गया इस पार्टिकल के ऊपर। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आईथ पार्टिकल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आईथ पार्टिकल is given by according to Newton's second law. Newton's second law क्या कहता है कि the rate of change of linear momentum of ith particle, ith particle के linear momentum को हमने denote किया small pi vector से, the rate of change of linear momentum of ith particle will be equal to the टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन आईथ पार्टिकल। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द आईथ पार्टिकल, दैट इज एफ आई, फोर्स एक्टिंग ऑन आईथ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ आईथ पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स यहां भी एफ आई है, यहां भी एफ आई है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इसका बाकी बचा हुआ प्रूफ। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने एक तो फोर्स निकाली थी आईथ पार्टिकल के ऊपर, कितनी फोर्स लग रही है आईथ पार्टिकल के ऊपर, दैट वाज द सम ऑफ टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स FIE प्लस इंटरनल फोर्सेस ऑन आईथ पार्टिकल ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। और सेकंड इक्वेशन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फॉर आईथ पार्टिकल, दैट इज FI वेक्टर इज इक्वल टू dPi वेक्टर अपॉन dt, वेयर pi इज द स्मॉल pi वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ आईथ पार्टिकल। नाउ वी विल कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कंपेयरिंग 1 and 2 कंपेयर करने के बाद एक साइड सेम है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। एफ आई ई वैक्टर प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन आई नॉट इक्वल टू जे एफ आई जे इज इक्वल टू डी पी आई बाई डी टी। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द आईथ पार्टिकल। हमें तो पूरे सिस्टम की बात करनी है, पूरे सिस्टम की बात हम कैसे करेंगे, जब इस इक्वेशन की हर एक टर्म को समेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी पूरे सिस्टम के लिए। तो उसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर होल सिस्टम can be obtained by multiplying equation 3 both sides by summation I is equal to 1 to n। क्योंकि ये n पार्टिकल का सिस्टम है, ये सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब हम हर एक टर्म को समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी पूरे सिस्टम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म को समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n से। तो एक समेशन ऑलरेडी लगा हुआ है, एक समेशन से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले वो लिखेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं i इज इक्वल टू 1 टू n और पहले से एक समेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है j इज इक्वल टू 1 i नॉट इक्वल टू j f i j, यहां पर कोई भी समेशन नहीं है सिर्फ एक ही समेशन आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द होल सिस्टम। तो स्टूडेंट इसके बाद के जो स्टेप्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी उसको हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे और बिल्कुल इसको एज इट इज हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमने बिल्कुल एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख दी, आगे इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको पहले इसको रब कर देता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्टूडेंट्स आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है जो कि बहुत सारे टॉपिक्स में आगे यूज होगी। स्टूडेंट्स अगर आपके पास दो समेशन हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या किसी भी टॉपिक के डेरिवेशन में, आप इसको सिंगल समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई ई वेक्टर प्लस, नाउ दीज टू समेशन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू समेशन कैन बी रिटन बाय अ सिंगल समेशन। कैसे, इन दोनों समेशन को हम सिंगल समेशन से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे i इक्वल टू 1 टू n था, यहाँ पे j इक्वल टू 1 टू n था, तो यहाँ पर हम i कॉमन j लिख देंगे।
तो ये टू समीशन को हमने सिंगल समीशन से रिप्लेस कर दिया, एफ आई से हमारा ऐसे रहेगा इक्वल टू, नाउ डी बाई डी टी हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन पी आई, स्मॉल लेंगे आप यहाँ पर। अभी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अभी हमने दो समीशन को, दो समीशन जो थे हमारे जो प्रोडक्ट में थे दूसरे के साथ, यहाँ पे आई इक्वल टू वन टू एन था, यहाँ जे इक्वल टू वन टू एन था, इसको हम सिंगल समीशन की फॉर्म में हमने लिख दिया, वी कैन राइट इट एज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने कहा कि एफ आई जे जो था, सिंपल एफ आई जे क्या था, फोर्स ऑन आई एथ पार्टिकल ड्यू टू द जे एथ पार्टिकल। अब न्यूटन थर्ड लॉ थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि अगर जे एथ पार्टिकल आई एथ पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो आई एथ पार्टिकल भी तो जे एथ पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, बट वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। तो देखते स्टूडेंट्स आगे, इसको हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कहने का मतलब क्या है, अगर jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ आई जे से, तो j भी तो i भी तो j पे फोर्स लगाएगा और वो होगी माइनस साइन में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है पर डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ आई जे प्लस समेशन एफ जे आई इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो आई जे पे लगा रहा है और जे आई पे फोर्स लगा रहा है, उन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो जीरो है। इसी तरह से बाकी सारी फोर्सेस भी जो हैं वो पेयर में जीरो हो जाएंगी, मीन्स सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल फोर्सेस होंगी उन सब का सम जीरो हो जाएगा, और सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं उनका सम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि जीरो हो जाएगी, क्योंकि दो पार्टिकल्स अगर आपस में लगने वाली फोर्सेस का सम उनका अगर जीरो आ रहा है तो बाकी सभी पार्टिकल्स की फोर्सेस भी पेयर में सम होके कैंसिल हो जाएंगी, जैसे आई और जे और जे और आई वाली फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसको हम ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं, सो एफ आई जे इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ आई जे इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसको, ये है क्या, ये है सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम दे देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास समेशन आई जे एफ आई जे जो कि है सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो जीरो आ गया है, तो यहां पर हम इसको जीरो पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या बनेगा यूजिंग 6 in 5। तो अगर हम इस टर्म को यहां पर जीरो पुट कर दें तो इक्वेशन 5 क्या रह जाएगी हमारे पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई ई इज इक्वल टू, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा डी बाई डी टी ऑफ समेशन पी आई आई इज इक्वल टू 1 टू एन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 7, और इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हम 7th इक्वेशन तक ड्राइव कर चुके थे, अब देखते हैं स्टूडेंट आगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए ये पी आई क्या है, पी आई है लीनियर मोमेंटम ऑफ आई एथ पार्टिकल, इसके आगे हम समेशन लगा देंगे तो ये बन जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, और लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम को हम डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। तो अब हम ये काम करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू ये यही आप ऊपर लगाएंगे यहां पर, ध्यान से ये बन जाएगा हमारा कैपिटल पी, वेयर कैपिटल पी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन पी आई, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर होल सिस्टम, यह है लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का कैपिटल पी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये क्या था स्टूडेंट्स, समेशन को आप भूल जाइए, ये क्या है एफ आई ई क्या है, ये है एक्सटर्नल फोर्स ऑन आई एथ पार्टिकल, अगर हम समेशन लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन द होल सिस्टम।
तो स्टूडेंट्स अगर एक्सटर्नल फोर्स जो का जो समेशन है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है पूरे सिस्टम के ऊपर, अगर वो जीरो होगा तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इफ समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ आई ई इज इक्वल टू जीरो, देन फ्रॉम अबव इक्वेशन हमने क्या किया, सिस्टम के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस के सम को हमने जीरो मान लिया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा अबव इक्वेशन से डीपी वेक्टर अपॉन डीटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो पी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि अगर किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो है तो वो टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी डेफिनेशन कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, अगर सिस्टम के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है तो जो लीनियर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, कैपिटल पी क्या है लीनियर मोमेंटम फॉर द होल सिस्टम, वो कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप एग्जाम में करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।